हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मेहता पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड एल्गी। आज का हमारा हॉट टॉपिक है फोटो सिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन एल्गीज। मुख्य प्रकाश संश्लेषी, ये हमें पहले से पता है कि एल्गी जो हैं वो सिंपलेस्ट हैं लेकिन ऑटोट्रॉपिक है, अर्थात स्वयं पोषी, मतलब ये अपना भोजन स्वयं बना सकती हैं। प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर के कॉम्बिनेशन से स्टार्च का प्रोडक्शन करती हैं। ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और इस फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इसमें मुख्य जो रोल प्ले करता है उसे हम बोलते हैं प्लास्टिड्स, लवक। इन्हें हम बोलते हैं लवक। लवक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक प्रकाश संश्लेषी सक्रिय और दूसरे प्रकाश संश्लेषी निष्क्रिय। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय जो हैं वो ऐसे पिगमेंट्स को रखते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम होते हैं, और निष्क्रिय जो होता है उसमें वो पिगमेंट्स होते हैं जो कलर तो देते हैं लेकिन स्टोरेज से संबंधित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं होते हैं। एल्गीज में अगर अपन प्लास्टिड्स की बात कर रहे हैं तो प्लास्टिड जो हैं वो एक साइनोफाइसी, जो नील हरित शैवाल है उनको छोड़कर के अतिरिक्त सभी एल्गीज में पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते? बिकॉज दीज आर प्रो कैरियोटिक, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होती है, इनमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का पूर्णतः अभाव होता है। इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो जीव द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब अगर अपन प्लास्टिड्स की बात करें एल्गीज में, तो एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं लेकिन इनिशियल स्टेज में होते हैं, और इनके अंदर पाया जाती है थायलाकोइड। थायलाकोइड मेम्ब्रेन, ये थायलाकोइड मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लीपो प्रोटीन्स की। और इस लीपो प्रोटीन की जो लेयर है उसके ऊपर क्या चिपके रहते हैं? ये पिगमेंट से चिपके रहते हैं और क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में सक्रिय होते हैं या प्रकाश संश्लेषण की भूमिका को निभाते हैं। हरित लवकों की बात करें तो हरित लवक एल्गीज की अलग अलग रेंज में अलग अलग संरचनाओं के रूप में पाए जा सकते हैं, जिनकी संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में जो लवक है उसकी संरचना है वो कैसी है? कप शेप। कैसी होती है? कप के समान होती है। और ये बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है और पायरेनॉइड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज क्लेमाइडोमोनास। फ्लैजिला जगह नहीं है इसलिए फ्लैजिलाज कम बनाए हैं, दैट इज आई स्पॉट। तो कप शेप होती है। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो लाइक क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा
स्पायरोगायरा। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इनमें जो होता है वो होता है रेटिकुलेट, जाली का व्रत। कप शेप का मतलब हो गया कप के समान, और ये हो गया रेटिकुलेट। रेटिकुलेट की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें That is reticulate. एक हम बात करते हैं यूरोथ्रिक्स। यूरोथ्रिक्स में होता है एक ग्रीडल शेप, मेखला, मेखला के समान। यूलोथ्रिक्स की अगर अपन बात करें तो यूलोथ्रिक्स एक फिलामेंटस एल्गी है, फ्रेश वाटर, और नीचे की जो सेल है दैट नॉन एज होल्ड फास्ट सेल, और इसकी ऊपर की जो सेल्स है ये ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती हैं, और इनके अंदर जो पिगमेंट है वो कैसा है, ग्रीडल शेप, मेखला के समान पाया जाता है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, रेटिकुलेट जाली का व्रत। स्पायरोगायरा में जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे रिबन, मतलब फीते के समान, दैट इज ग्रीडल। That is ribbon. Ribbon shape. Kara. Kara में example है discoid. Discoid की shape हम ऐसी बना सकते हैं. That is discoid shape. जिग्निमा, इसमें हो गया स्टार शेप। स्टार शेप की हम बात करें मींस इररेगुलर इन शेप, दैट इज स्टार शेप। तो इस तरीके के डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट जो हैं, मतलब सॉरी प्लास्टिड जो हैं, वो एल्गीज में पाए जाते हैं।
अब हम बात करते हैं पिगमेंट्स की. इन एल्गीज थ्री टाइप ऑफ मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. तो इसमें सबसे पहला है क्लोरोफिल हरिम वर्णक. अगर हम वर्णकों की बात कर रहे हैं तो हरिम क्लोरोफिल्स. दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे कैरेटिनॉइड्स, मतलब कैरेटीन्स. तीसरा यहाँ पे बात करेंगे बिली प्रोटीन्स या फाइकोबिलिन्स. इन तीन की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मुख्यतः. यहाँ लिख देता हूँ साइड में, थ्री मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर, फर्स्ट वन इज क्लोरोफिल, सेकेंड वन इज कैरेटी, नॉइड्स एंड थर्ड वन इज बिली प्रोटीन्स, या हम इसे एक नाम और दे देते हैं और फाइकोबिलिन्स. फाइकोबिलिन्स तो सबसे पहले यहां पे हम अध्ययन करते हैं किसका, क्लोरोफिल पिगमेंट्स का. क्लोरोफिल के लिए अगर अपन कहें तो हम कुछ लाइनें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. क्लोरोफिल आर द मेन पिगमेंट्स, ये मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं और दुनिया में जितने भी ऑटोट्रॉप्स हैं स्वयंपोषी उनमें क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं. प्रकाश संश्लेषण इनके बिना नहीं हो सकता किसी के अंदर भी, ठीक है. तो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं सभी ऑटोट्रॉप्स में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं. सामान्यतः ग्रीन कलर के होते हैं या ग्रीन कलर देते हैं, लेकिन अलग अलग कलर्स ग्रीन मेन में हो सकते हैं, उसकी हम बात कर लेंगे. नेक्स्ट, लगभग ये 630 या 650 से 660 वर्णक जो है उसका स्पेक्ट्रम का अवशोषण करते हैं. 650 से 700 नहीं, 660 nm प्रकाश का अवशोषण. एल्गीज में लगभग, पहले एक बार चार्ट बना ही लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो जाएगा. एल्गीज में लगभग 5 प्रकार के जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स को पहचाना गया है.
दीज आर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई। इसके अतिरिक्त अगर अपन बैक्टीरियाज की बात करें लाइक साइनोफाइसी, तो हम यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में हैं लग बैक्टीरियो क्लोरोफिल, एंड बैक्टीरियो विरिडीन। बैक्टीरियाज में क्लोरोफिल ए के अतिरिक्त और कोई क्लोरोफिल नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे हमें दूसरे क्लोरोफिल्स मिल जाते हैं। दीज आर बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स एंड बैक्टीरियो विरिडीन्स। एक चार्ट के माध्यम से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक सिंपली चार्ट हम बना लेते हैं, क्लोरोफिल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ए की। क्लोरोफिल ए जो है ये सिंपली जो कलर देता है दैट इज ब्लू ग्रीन, ये कलर देता है ब्लू ग्रीन। और इसका जो मूलानुपाती सूत्र है उस मूलानुपाती सूत्र के लिए हम कहेंगे C55H 72 O 5 N 4 Mg। उपस्थिति सभी ऑटोट्रॉप्स में, सभी प्लांट्स बैक्टीरियाज सभी में ये उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरोफिल बी की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो होता है जैतूनी हरा, ऑलिव ग्रीन, जैतूनी हरा। जैतूनी हरा कलर होता है और इसका मूलानुपाती सूत्र है C55H 72 की जगह हो जाएगा 70, O5 की जगह हो जाएगा 6, N4 Mg। ये सभी में नहीं पाया जाता, बैक्टीरियाज में नहीं पाया जाता, केवल क्लोरोफाइसी, केवल क्लोरोफाइसी एंड बैसिलेरियोफाइसी। में प्रेजेंट होता है क्लोरोफाइसी एंड बैसिलेरियोफाइसी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल सी में फाइटोल चेन नहीं पाई जाती, केवल पोरफायरिंग रिंग पाई जाती है। इसका जो कलर है वो वही ग्रीन कलर है, ब्लूइश ग्रीन, एंड इसका जो मूलानुपाती सूत्र है
C35H32O5N4Mg। ये सभी एल्गेज में नहीं मिलता, ये आपको मिलेगा फियोफाइसी के जो मेंबर्स हैं, क्राइसोफाइसी मतलब बेसिलेरियोफाइसी डायएटम्स टाइप एंड फियोफाइसी और क्राइसोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल सी जो पिगमेंट है वो मिलता है। फोर्थ क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल डी एंड ई की स्ट्रक्चर सेम ही है, किसके बी के समान है, कलर इनका थोड़ा सा ब्राउन ग्रीन की ओर होता है, और यहाँ पे डी की अगर अपन बात करें तो दैट इज ब्राउन ग्रीन। फॉर्मूला इनका डी के समान ही होता है और ये पाया जाता है स्पेशली इन रोडो फाइसी। प्रेजेंट इन रोडो फाइसी, सभी के अंदर ये नहीं पाया जाता है। उसी तरीके से ई की अगर अपन बात करें तो स्पेशली प्रेजेंट इन जेंथोफाइसी। बैक्टीरियो क्लोरोफिल क्लोरोफिल्स ये हल्के लाल बैंगनी कलर देते हैं, लाल बैंगनी कलर, और इनका मूलानुपाती सूत्र जो है वो है C55H74 से ज़्यादा O6N4Mg। ये पाए जाते हैं इन बैक्टीरिया साइनोफाइसी। सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया में। 7th में है बैक्टीरियो विरिडीन, C55 कलर वही लाल बैंगनी टाइप, C55H72O6N4Mg सल्फर बैक्टीरिया। इसका डायरेक्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का। इसके लिए एक स्पेशलाइजेशन और हम कर सकते हैं,
नॉर्मल क्लोरोफिल्स अवशोषित करते हैं 660, लेकिन अगर अपन क्लोरोफिल बैक्टीरिया क्लोरोफिल्स की बात करें तो यह अवशोषित करते हैं 650 से 666 nm समुद्र की गहराई में। जल के निचले स्तर पे आने वाले लाल प्रकाश को क्या कर सकते हैं, ये अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए हमने डी पे भी ब्राउन ग्रीन कलर किया है और बैक्टीरिया जो है वो भी है कौन से, लाल बैंगनी कलर जो है वो प्रेरित करते हैं। डायग्राम से इसको समझ लेते हैं एक बार, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करें क्लोरोफिल ए की, द मेन सेंटर मेटल आयन इज मैग्नीशियम। ये दो कोवलेंट बॉन्ड और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाता है, चार नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ। फॉर्मूला देखिए क्या था, C55H70 72 ऑक्सीजन 5N4Mg। अब ये इनके साथ बनाता है मुख्य पाइरोल रिंग्स। एक पाइरोल में 5 एटम्स होते हैं, उनमें से एक नाइट्रोजन और 4 कार्बन। ये चारों कार्बन्स कहाँ हैं, ये रहे 1, 2, 3 और ये हो गया 4, 3, 4, 3 और ये 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। बॉन्ड्स को बना देते हैं विद मेन लाइंस आर रेड। इसकी स्ट्रक्चर में यही मेन रिंग्स हैं, ढंग से देखिए, दैट इज रिंग नंबर 1। इन्हें बोलते हैं पाइरोन रिंग्स, 5 एटम से मिलके बनी होती हैं जिसमें 1 नाइट्रोजन और